तो गाइस स्टार सी एडमिरल की नई स्किन आई हुई थी, मेरे पास पड़े थे 63 से कुछ यूसी, तो यहाँ पे गाइस शुरू हो जाता हूँ मैं। और यहाँ पे मोली की स्किन मिलती है और मेरा प्लान ज्यादा यूसी लगाने का नहीं है क्योंकि मेरे पास ग्लेशियर एक एम पड़ी है और स्टार सी में मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी इसमें मिल जाती भाई 6000 यूसी में तो मिल जाती, नहीं तो मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। या फिर 3 सिक्के मिल जाते तो 1 के लिए मैं करता, लेकिन यहाँ पे 2 ही सिक्के मिलते हैं वो भी गारंटेड रिवॉर्ड में, ठीक है भैया। और घंटा कुछ नहीं मिला मेरे को भाई, मतलब भाई स्कैम है, रेट ओपनिंग मतलब ग्लोबल वाले में ना भाई 10,000 में तुम्हें पक्का गन मिल जाते हैं, मतलब इतने सिक्के हो जाते हैं। उसमें वैसी वाली स्पिन आई थी वो गोल घूमने वाली, उसमें ऐसा था कि भाई 270 कुछ कॉइंस में एक एम गारंटी मिल रही थी और 270 इजीली हो जाते 10,000 में। एक तो मटेरियल भी मिलते थे इस वाली क्रेट में, तो मटेरियल भी नहीं और भाई टाइम लिमिटेड सामान दे रखा भाई, मतलब क्या मजा के। तो यहाँ पे गाइस मैं सारी उसी भंड कर देता हूँ भाई, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, टाइम लिमिटेड ही सेट मिलता है मेरे को, तो यही पहन के आज का गेम प्ले है। और इसलिए भाई मैं क्रेट ओपनिंग नहीं कर रहा बीजेम में, क्योंकि मेरे को लग रहा भाई ये कुछ महीने गायब से हो गए ना, तो ये ओवर कंपनसेट कर रहे हैं कि भाई पूरा लूट लो, मतलब खत्म कर दो सबको, जिससे जो एक साल पैसा नहीं छाप पाए वो थोड़ा सा मतलब उसकी पूर्ति हो जाए। खैर गाइस मेरी थ्योरी है, आप बताओ कमेंट में आपको क्या लगता है। खैर अब चलते गेम प्ले की तरफ। हेलो गाइस, सो मच कॉन वीडियो लेके, तो गाइस अगेन जा रहा हूं मैं विलेज में, खेल रहा हूं ड्रैगन बॉल सुपर थीम्ड मोड और भाई इस वाले गेम में भाई क्लचेस भरे पड़े हैं। एक जगह मैं रिस्पोन होकर आता हूं, मेरे हाथ में सिर्फ यूजी होती है और M4 में सिर्फ 5 गोली और यूजी की गोलियां खत्म हो जाती है और मैं कैसे क्लच करता हूं उन 5 गोलियों के साथ भाई, देखते जाना मतलब खतरनाक ही मजा है। खैर यहां पे गाइस लैंडिंग गलत हो जाती है, कोई बात नहीं, यहां पे गन मिल जाती है मेरे को। हेलमेट वैश कुछ नहीं था, नीचे तक बहुत सारे बंदे और बिल्कुल लगा कोई मेरे पर रश मार रहा है। खैर मार भी रहा था, यहां मैं पेन किलर खाता हूं पहले तो। भाई बिना हेलमेट वैश के ना कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारी, मतलब 2 सेकंड में बंदे पेलते हैं, वो तो वो लूटर करने में लग गया था, नहीं तो एक गोली और लगती मैं गया था। खैर अब हीलिंग मारता हूँ फाइनली, और यहाँ पे मेरे को आर्मर भी मिल जाता है। और भाई यहाँ पे एक बंदे को नोक करा, प्लान था नेट फेंक के रश मारने का, नेट से तो कुछ होता नहीं है लेकिन यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी होगी, तो भाई रश मार दो फटाफट। 2 बंदों के फुटस्टेप्स आए, और भाई बाहर से भी कोई फायरिंग दे रहा था, तो बाहर तो मैं टीपी नहीं ले सकता, तो अंदर जाता हूँ फटाफट। फाइनली इस वाले बंदे को भी लपेटता हूँ भाई, इस वाली बिल्डिंग में ना गंदे कैंप होता है और एक तो रश मारने में भाई स्कैम हो जाता है इस वाली बिल्डिंग में, लेकिन सबसे बेस्ट मोली है अगर मोली हो तुम पे। यहाँ पे एक और बंदे को लपेटा, इसको फिनिश करता हूँ यहाँ पे, इसको भी फिनिश करा, फिर गाइस रश मारता हूँ। पहले मारता हूँ इधर की तरफ क्योंकि मेरे को शक था कोई यहाँ पे ना हो, मैं वहां पे रश मारू और भाई कोई इधर से मतलब ओपन में मेरे को पेल दे, फिर यहाँ पे कोई नहीं था। और फाइनली क्या मैं देखता, इसको मैं नोक करता हूँ और फिर रश मार देता हूँ इन पे, लेकिन उससे पहले नेड मोली का यूज करते हैं। अब ये नेड अपना काम करता है, मैं सोचता हूँ एक और नेड फेंक दूं। फाइनली मारता हूं मैं रश, अभी पेड़ वाला बंदा जो है भाई इसको नेड से फोड़ने वाला हूं मैं अगेन, और इनका एक और बंदा है जो कि नीचे घूम रहा है। यहाँ पे देखना भाई इनका लास्ट बंदा जो है ना, वो पहले तो इसको लपेटा मैंने पूरा फिनिश कर दिया, अब इनका लास्ट बंदा बच चुका है एक जो कि अंदर कैंप मार रहा है और वो भी उड़ जाता है, तो मेरे को लगा बंदा उड़ गया होगा, ठीक है मुझे लगा ऊपर जाके इस वाली बिल्डिंग के ऊपर बैठ गया वो शायद से, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मैं सोचता हूँ पीछे से एंगल लूंगा भाई, नहीं तो वो स्कैम कर देगा, ऊपर से मस्त एंगल मिलता है। और यहाँ पे देखना पहले तो वो इस बोट को लपेटता है और फिर वो भग जाता है यहां से, और अपने नोक टीममेट को भी यहीं छोड़ देता भाई, एक मतलब कैसा टीममेट था भाई तू, नोक टीममेट को छोड़कर भग गया। खैर अभी मैं निकलने के सोचता हूं और फिर पीछे से कोई डीपी चलाने लगता है, शायद वही है जो लास्ट वाले इनका भग गया था, तो रश मारता हूं इन पे।
और यहाँ पे इससे फाइट चलेगी मेरी थोड़ी ठीक सी। तो देखो बंदा बहुत ही गलत कैम मार के बैठा था। खैर यहाँ पे हल्के से फ्री फायर में मैं लेता हूँ उसे, फिर दोबारा मैं जाता हूँ तो मेरे को पड़ती हल्की सी। फिर मैं इसको डरा रहा था कि भाई जैसे नेट फेंक रहा हूँ मैं चाहते ही नीचे कूद जाए क्योंकि उस पर एडवांटेज था ऊपर। और फाइनली भैया इसे लपेट ही देता हूँ। भाई क्या ही गलत कैम मार के बैठा था। खैर यहाँ पे गाइस फिनिश करता हूँ इसे भी। और फिर यहाँ पे गटका में किसी ने ड्रैगन बुलाया था, मैं आता हूँ। फुटस्टेप्स आने लगे थे, ऊपर आता हूँ पहले तो इस वाले घर के। और यहाँ पे देखना भाई क्या ही स्कैम होगा। पहले तो इसे फिनिश करा, उस वाले घर से इधर आना चाह रहा था और एक बंदा यहाँ पे आके बैठ जाता है। भाई फुटस्टेप्स नहीं आए इसके, कैसे मतलब एकदम आ गया मेरे ऊपर। खैर आप हेल्थ मेरी कम हो चुकी थी तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, पीछे जाता हूँ हल्का सा हीलिंग मार के वापस आऊँगा इन पे। वापस प्लान था बंदों को लपेटने का, लेकिन यहाँ पे देखना भाई बंदे स्ट्रेटजी लगा के बैठ गए थे। मतलब देखो भी ये डीपी वाला इन्होंने भाई दूर भगा दिया कि भाई वहाँ से फ्लैंक मार के मेरे पे एंगल लेता रहे। तो मैं सोचता मैं नेट फेंक दूँ, लेकिन गलती से यार मैं नीचे कूद जाता हूँ। मतलब मेरा प्लान था सिर्फ नेट फेंकने का, नीचे मैं पता नहीं क्यों गिर गया और हो जाता भाई काम फिर। तो खैर यहाँ पे कैसे रिस्पॉन होता हूँ, यहाँ तो भाई गलत क्लच देखने को मिलता तो मैं मतलब मो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ यूज ही है मेरे पे। ठीक है कल तो इसको डैमेज दिया, फिनिश करने का भी प्लान था लेकिन भग जाता बंदा। बंदों पे एक ग्रोजा और MG3 है। ठीक है और यहाँ पे फाइनली मेरे को M4 मिलती है, लेकिन सिर्फ 5 गोली छोड़ रखी थी डब्बे में। ठीक है और यहाँ मैं काफी डब्बे चेक करता हूँ, भाई गोली नहीं मिल के देती मेरे को किसी भी गन की, यानी कि M4 कोई और गन उठा लेता मैं। और यहाँ पे अभी यूजी में गोलियां लेकिन ये खत्म हो जाएंगी और बस देखना कैसे बचता हूँ। पहले यहाँ पे इसको लपेटा मैंने और वेट कर रहा था बंदा कूदे, बंदा कूदता है, बंदे को लपेटता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे 7 गोली हैं और ये 7 गोली यूजी की अब जाने वाली हैं, गई। ठीक है और यहाँ पे 5 गोलियां हैं M4 में। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ भाई कहीं से गोली मिल जाए। UMP की गोली भी नहीं थी कि भाई UMP उठा लूँ मैं, शॉटगन की गोली भी नहीं थी, तो 5 ही गोली थी। बंदा हीलिंग कर रहा था, एक बार ये हीलिंग कर लेता ना भाई तो फिर 5 गोली में नहीं मरता ये, तो इसलिए मैं घुस जाता हूँ भाई जोगा देखी जाएगी। और बंदे MG3 लेकर बैठे थे भाई, क्या ही लपेटा भाई। गाइस लाइक मार दो इस वाले क्लच के लिए। गाइस मेरे पे होता है ब्रश और अभी ये बंदे भाई मेरे को ढूंढ रहे थे शायद से पूरे लोबी में, कह रहे भाई यही बंदा था। क्या ही गलत लपेटा भाई ने भी। अभी इस खेल में लूटना चाह रहा था लेकिन भाई मर जाता है यार ये, या तो एक गोली और लग जाती ना हो जाता काम। खैर अब कैसे मैंगल लेता हूँ बंदे दिखते हैं, नोक करा मैंने यहाँ पे और फिर मेरे ऊपर हो जाता भाई रश। बंदे गलत ही मार रहे थे भाई, मतलब मौका भी नहीं देते झांकने का। और यहाँ पे गाइस मेरे को ना हीलिंग करनी चाहिए यार, मतलब मैंने क्यों मतलब यहाँ पे फ्री फायर दी। देखो हालांकि फ्री फायर देखे पीछे आ गया था लेकिन भाई चिपक जाते उसकी गोली MP की। मतलब मेरे को यहाँ पे हीलिंग करनी चाहिए, कोने में बैठ के वो बीन्स खा लेने चाहिए थे जो मेरी हेल्थ मतलब एकदम बढ़ जाती, इजीली लपेट देता मैं। खैर गाइस क्या कर सकते हैं। तो गाइस वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो में चाहिए तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो में।